नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता। आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। उसने 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। लैंडर को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। 5:30 पर शुरुआत में रफ लैंडिंग बेहद कामयाब रही। इसके बाद 5:44 पर लैंडर ने वर्टिकल लैंडिंग की। तब उसकी चंद्रमा से दूरी 3 किलोमीटर रह गई थी। आखिरकार लैंडर ने 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा। इस तरह भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर पीएम मोदी बोले, चंदा मामा दूर के नहीं एक टूर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह क्षण भारत के सामर्थ्य का है, यह क्षण भारत की नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। अमृतकाल में अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा ने खूब तबाही मचाई है। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता एवं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमाचल को 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने का और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक मानसून में 330 लोग मर चुके हैं, 35 लोग लापता हैं, 12,000 घर तबाह हुए हैं, हाईवे जगह जगह बह गए हैं, हर ओर बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसे देखते हुए हिमाचल की आर्थिक मदद होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति के तहत एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार कराई जाएंगी। दोनों परीक्षा में जिसमें स्टूडेंट के ज्यादा मार्क्स होंगे उसे गिना जाएगा। इसके अलावा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को 2 भाषाएं पढ़नी होंगी, इनमें से एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। हालांकि स्टूडेंट्स को शब्द चुनने की छूट होगी, उन पर चुनी गई स्ट्रीम के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मिजोरम में बुधवार को निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से 17 मजदूरों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी आइजोल से 20 किलोमीटर दूर सायरांग में सुबह 10 बजे यह हादसा हुआ। घटना के दौरान 35 से 40 मजदूर पुल पर काम कर रहे थे। यह पुल बैराबी को सायरांग से जोड़ने वाली कुरुंग नदी पर बन रहा था। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली में निजी फोन पर करीब 12 बजे उन्हें धमकी दी गई। कहा गया है कि धमकी देने वाले ने फोन पर कहा है कि आप चिराग पासवान के खिलाफ बोलते हैं, आपको हाजीपुर घुसने नहीं देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, कालिख पोतेंगे। पशुपति पारस ने इसकी सूचना पार्लियामेंट थाना में की है। साथ ही अमित शाह को पूरे मामले को लेकर चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में लिखा गया है कि अज्ञात नंबर से कॉल करके धमकी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट के लिए 2 दिन पहले 7 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट 4 दिन भारत में रहेगा। G20 समिट 9 और 10 सितंबर को होगा। बाइडेन की यह पहली भारत यात्रा है। खास बात यह है कि बाइडेन इंडोनेशिया में होने वाली आसियान समिट में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत दौरे को ज्यादा तवज्जो दी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर में बुधवार को लगातार तीसरे दिन लोअर सर्किट देखने को मिला। कंपनी का शेयर आज 5% की गिरावट के साथ 224.65 रुपए पर बंद हुआ। JFS की लिस्टिंग 21 अगस्त को हुई थी, तब से ही कंपनी के शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। इस वजह से 3 दिन में कंपनी का शेयर 15% गिरा है। अगर गुरुवार को भी JFS के शेयर में लोअर सर्किट रहता है तो इंडेक्स से इसके बाहर जाने की तारीख अगले 3 दिनों के लिए टल जाएगी। वहीं लगातार 3 दिनों में लोअर सर्किट की वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट कैप 23,000 करोड़ रुपए कम हो गया है। फिल्म गदर 2 ने रिलीज के 12वें दिन 400 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली। फिल्म ने मंगलवार को 12 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया और अब इसका टोटल कलेक्शन 400 करोड़ 70 लाख रुपए हो चुका है। इस मौके पर सनी देओल इमोशनल हो गए, उन्होंने फैंस को धन्यवाद कहा है। शाहरुख खान और नयनतारा की अपकमिंग फिल्म जवान को CBFC ने UA सर्टिफिकेट दिया है। इसका मतलब है कि सभी एज ग्रुप के लोग ये फिल्म देख सकेंगे। वहीं 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी पेरेंटल गाइडेंस के साथ फिल्म देख सकेंगे। फिल्म 7 सितंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले CBFC ने फिल्म को 7 बदलाव करने के सुझाव भी दिए हैं। अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच एमपी टॉप 5 फेसबुक और यूट्यूब पर सुबह 8:30 बजे।